दहेज लोभी दूल्हा पहुंचा हवालात में। दहेज की थी मांग, राम और सीता हुए आजीवन अलग। राम के परिजनों ने मांगे दहेज में 50,000 रुपए। नहीं दिए राम के परिजनों ने तो शराब पीकर किया हंगामा, सीता के परिजनों ने की धुनाई, सीता ने किया शादी से इनकार। तो फिर दूल्हा पहुंचा हवालात, देगी हमारी स्पेशल रिपोर्ट भरत सिंह के साथ। बेगमगंज से हमारे संवाददाता भरत सिंह की रिपोर्ट। दहेज लोभी दूल्हा पहुंचा हवालात, 50,000 रुपए की थी मांग, राम और सीता हुए आजीवन अलग। कलयुगी राम और सीता दोनों फिर हुए आजीवन दूर। कलयुगी दूल्हा राम पहुंचा हवालात, दुल्हन सीता के परिजनों से की थी 50,000 दहेज की मांग। दुल्हन ने दहेज का किया था विरोध और शादी से किया इनकार। रायसेन जिले के बेगमगंज थाने में ग्राम जरुआ का मामला। दहेज लोभी दूल्हा राम पहुंचा हवालात में, दुल्हन ने किया था शादी से इनकार। राम और सीता का विवाह था, बारात लगी, बरमाला हुई और दहेज को लेकर बात बिगड़ गई। राम के पक्ष वालों ने 50,000 रुपए की मांग रख दी। लड़की पक्ष वालों ने जब मना किया तो शराब पीकर राम के पक्ष वालों से मारपीट की और राम सीता पहुंचे थाने। जबकि दुल्हन के पक्ष ने बारात लेकर पहुंचे दूल्हे को टीके में रस्म के तौर पर 10,000 रुपए दिए थे। दूल्हे राम ने मांगे 50,000 रुपया तो दुल्हन के पिता की नए हैसियत के हिसाब से बताया कि 50,000 रुपए देने से मना कर दिया था। पैसे को लेकर दोनों पक्षों में बड़ी बहस। ये देख दुल्हन ने शादी से किया इनकार और दूल्हे को पहुंचाया हवालात। बेगमगंज पुलिस ने दुल्हन सीता की रिपोर्ट पर दूल्हे राम कुमार और उनके पिता भगवान दास के खिलाफ दहेज अधिनियम की धाराओं में की कार्रवाई शुरू। ग्राम बड़गवा से बेगमगंज के ग्राम जरुआ से आई थी बारात। बेगमगंज से हमारे संवाददाता भरत सिंह की रिपोर्ट। शराब पी के मारपीट की थी? नहीं, शराब पी के मारपीट की थी, दहेज की मांग की थी, इसलिए शादी से मना कर। पैसों की मांग कर रहे थे तो हम पे 10,000 रहते थे, 10,000 हमने दे रहे, फिर 50,000 मांग रहे थे, हमने नहीं दे पाए, फिर हमने दारू पी ली। फिर हमने जितने की मांग इन लड़का के बाप ने, अच्छा के ले हम 50 ले। कितने बजे? बड़गवा के रहने वाले राम कुमार हमारा नाम है। ये वाला कार्यक्रम हुआ, खाना पिया खाया, ठीक है। उसके बाद चढ़ा चढ़वाने लगे पापा लोग, ये फूफा, ठीक है भैया लोग, सब हम बाहर बैठे रहे तो रिश्तेदार की लड़ाई हो गई, तो ये अंदर थे हम बाहर थे, तो हमने बीच बचाव करा, इतने उनने हमको ही फंसा दिया। वो डंडे लेकर आ गए, मारने लगे हम लोग। लड़के के पिता और लड़के ने मांग किया कि हमारे खर्चे ज़्यादा हुए हैं, हम बेरनी को भी ले आए हैं निचाने के लिए, बस भी किया है हमने, हमें कम से कम 50,000 रुपये टीका में चाहिए। 50,000 रुपये देने से लड़की के पिता ने इनकार कर दिया कि हमारी क्षमता नहीं है। उसने ये भी कहा कि 3 दिन पहले हमने लगुन में एक मोटरसाइकिल 50,000 की लोन ले करके खरीद करके दिया है आपको, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। इस बात को लेकर के लड़के ने, दूल्हा ने, उसके पिता ने और उसके परिवार के अन्य लोगों ने वहाँ पर झगड़ा किया, हाथापाई किया लड़की पक्ष के साथ, और लड़की को भी धक्का मुक्की में चोट आई। इस कारण क्षुब्ध होकर के लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और शादी नहीं हुई। आज लड़की अपने पिता के साथ थाने पर आकर के घटना की उसने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट करने के पश्चात दूल्हे के खिलाफ, उसके पिता और अन्य लोगों के खिलाफ, 5 लोगों के खिलाफ मैंने धारा दहेज अधिनियम तथा IPC की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तराना से हमारे संवाददाता कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट। जहां पकड़ने गए थे लाखों, वहां पकड़ाए हजारों। संदिग्ध पुलिसकर्मियों ने दबिश से पहले दी सूचना, कारोबारी हुए फरार। संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त तराना नगरी में कुछ जुआरियों को तराना पुलिस ने पकड़ा है। जहां ये हजार बल्ली चलाई जा रही थी, वहां के मुख्य सरगाना सद्दाम पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गया और लाखों की हजार बल्ली के हजारों में सिमटने का कार्य किया। तराना के किले कॉलोनी के पास इमलीबाड़ा में सद्दान नामक युवक घर पर अवैध तरीके से हजार बल्ली और आश्रय को चलाया जा रहा था। हजार बल्ली खेलते 7 युवकों को तराना पुलिस ने पकड़ा। पकड़ में एक कैलकुलेटर, 9,000 रुपया पकड़े। सूत्रों की माने तो गतिविधि को संचालित करने वाला सद्दाम को गोपनीयता भंग करते हुए सूचना दी गई।
3 बजे मुखबिर की सूचना मिली थी कि मदार वार्ड में उठने पर 8-9 व्यक्ति हजरवल्ली ताश करके जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर तस्दीक करने पहुँचे थे। घटना में 7 व्यक्ति मौके पे दबी देकर पकड़े, जिनसे ताश पत्ते उपकरण एवं 9,800 रुपये जब्त किए गए।